नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज और मैं हूं अमृत रश्मि। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध ताजमहल अब एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इस इमारत की खूबसूरती पर कसीदे कसने वाले भी पशुपेश में हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। एक विवाद शांत हो रहा है तो दूसरा उठ खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के पूर्व राज घराने से ताल्लुक रखने वाली सांसद दिया कुमारी के बयान के बाद अब मुगल शहंशाह शाहजहां के वंशज भी मैदान में उतर आए हैं। ताजमहल के विवाद में स्वयं को मुगल वंशज बताने वाले प्रिंस याकूबुद्दीन हबीब तूसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य व सांसद दिया कुमारी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। तूसी ने दिया कुमारी को अपनी बात को साबित कर दिखाने की चुनौती भी दी है। बता दें कि ताजमहल के 22 बंद तहखाने खुलवाने के मामले में बुधवार को दिया कुमारी ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना है कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि उनके पुरखों की निशानी है। जिस जगह ताजमहल बना है वो जमीन राजा जयसिंह का है। शाहजहां ने यह जमीन उनसे खरीदा था। उन्होंने इसके दस्तावेज जयपुर सिटी पैलेस के पोथी खाने में होने की बात भी कही है। इस पूरे बयान पर पलटवार करते हुए प्रिंस तूसी ने गुरुवार को वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजकुमारी का ये बयान पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। वो राजपूत घराने व मुगलों को बदनाम करना बंद करें और वह अपनी बात को साबित भी करके दिखाएं। मुगल शहंशाहों का खुद को आखिरी वंशज बताने वाले हैदराबाद के प्रिंस तूसी आगरा आते हैं। मुगल शहंशाह के शाहजहां के उर्स के दौरान चादरपोशी करने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया जाता रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से वो आगरा नहीं गए हैं। ताजमहल को लेकर दिए गए उनके बयान भी इस समय काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जयपुर की तत्कालीन रियासत का महल वहां पर मौजूद है। आगरा के ताजमहल के स्थान पर जयपुर की तत्कालीन रियासत का महल होने का दावा करने वाली पूर्व राज परिवार की सदस्य और सांसद दिया कुमारी इस संबंध में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को दस्तावेज भेजने वाली हैं। इनमें इस बात का उल्लेख होगा कि जयपुर की तत्कालीन रियासत के महल के स्थान पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। सिटी पैलेस में स्थित पोती खाने से दस्तावेज निकलवाए जाएंगे, उनका वकील परिवेक्षण करेगा। उधर बीकानेर में राज्य सरकार के अभिलेखागार में ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा जयसिंह को फरमान जारी कर आमेर, मकराना और राजनगर की खदानों से संगमरमर भेजने के लिए कहा गया था। 9 सितंबर सन 1632 में शाहजहां की ओर से जयसिंह को आमेर की नई खान से संगमरमर निकालने के लिए मुलुक शाह को भेजने के लिए कहा गया था। फरमान में पूर्व राज परिवार को ताजमहल निर्माण के लिए मजदूर और वाहन उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया था। इसके साथ ही शाहजहां ने इस फरमान की अवहेलना नहीं करने के भी निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि 21 जून सन 1637 को लिखे गए इस फरमान में शाहजहां ने जयसिंह को निर्देश दिए थे कि आमेर और राजगृह में पत्थर काटने वालों को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। जानकारी के अनुसार ताजमहल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान सरकार में पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी दस्तावेज खंगालने में जुट गए हैं। हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ताजमहल से जुड़े विवाद को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम जानकारियों और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वी नेशन न्यूज। धन्यवाद।